नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए वैट कम करने की मांग की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने भी जनता को राहत प्रदान करने के लिए डीजल पर लगने वाले वैट को कम किया है। मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि वह भी जल्द ही इस तरह का निर्णय लेकर प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी से राहत प्रदान करे ताकि महंगाई कम हो सके। प्रदेश कांग्रेस उपचुनाव से पहले 17 जिलों में जिला और ब्लॉक स्तर पर युवाओं की टीम तैयार करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जमीनी स्तर पर कांग्रेस की इकाइयों को मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में आने वाले 100 गांव में से 10 से 12 गांव का एक सेक्टर बनाया जाएगा और उसका एक प्रभारी बनाया जाएगा। इसे लेकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा। देवास के ग्राम अतवास में फसल पर जेसीबी चलने से नाराज होकर आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुलाकात की। इनमें पूर्व आईएएस अधिकारी अजीता वाजपेयी और अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नूरी खान भी थी। कांग्रेस जांच दल ने कलेक्टर और एसपी से मिलकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे यहाँ दूसरे राज्यों के मुकाबले लघु एवं मध्यम उद्योगों की प्रगति की रफ्तार कम क्यों है, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने शुक्रवार को चिरायू अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 और 2 की समीक्षा के दौरान कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश को इस योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश को केवल 2,000 करोड़ मिले हैं। संबंधित बैंकों से बात करके इसकी मॉनिटरिंग की जाए। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने शुक्रवार को मोती महल स्थित संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर टॉयलेट की सफाई की। यहां की महिला कर्मचारियों ने टॉयलेट गंदे होने की शिकायत की थी, इस पर मंत्री खुद ही झाड़ू लेकर सफाई करने पहुंच गए। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चर्चा के बाद कहा है कि प्रदेश में आर्थिक संकट है लेकिन आमजन पर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। देवड़ा का कहना है कि केंद्र सरकार से अधिक मदद मिले इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वीडियो वायरल करने वाले डॉक्टर राजन को जमानत नहीं दी गई है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राजन ने खुद को राष्ट्रपति द्वारा बहादुरी का पुरस्कार देना बताया है, लेकिन भोपाल पुलिस को अब तक इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। राजन का यह दावा भी झूठा निकला है कि वह मध्य प्रदेश कुपोषण समिति के चेयरमैन रह चुके हैं। पुलिस राजन की कॉल डिटेल और अन्य संपर्कों को भी खंगाल रही है। टीकमगढ़ के जतारा में फूलपुर गांव में एक दलित महिला रामकली अहिरवार की मौत होने पर दबंगों ने शमशान के रास्ते पर कब्जा कर लिया और शव का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। दबंगों के सामने पुलिस भी बेबस नजर आई। बाद में दूसरे शमशान में दलित महिला का अंतिम संस्कार करवाया गया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने आम सड़क पर भी कब्जा कर लिया है। इंदौर में मानव तस्करी दुष्कर्म आदि मामलों के आरोपी जीतू सोनी को जेल भेज दिया गया है। उसे एमआईजी पुलिस ने एक दिन का रिमांड पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश किया था। जीतू से पहले महिला थाना सहित अनेक स्थानों में दर्ज अलग अलग प्रकरणों में पुलिस ने पूछताछ की है। उसे 11 अगस्त तक के लिए जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। इंदौर में मॉडल युवतियों को वेब सीरीज में काम करने का झांसा देकर पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में 22 और 28 साल की दो और युवतियों ने साइबर सेल में शिकायत की है। युवतियों ने बताया कि गिरोह में कई बड़े लोग शामिल हैं। इन लोगों ने कुछ समय पहले स्टाफ फिल्म के नाम पर मूवी बनाने का करार किया था। बाद में बोल्ड वेब सीरीज बनाने का बोलकर अश्लील वीडियो तैयार कर मुंबई में 2.5 से 4 लाख रुपए में बेच दिए। मामले में पुलिस ने एरोड्रोम इलाके में उद्योगपति अजय गोयल के शिमला फार्म हाउस की तलाशी ली है, जहां पर फिल्म शूटिंग के सामान मिले हैं। इस रैकेट में प्रमोद सिरमया और युवराज के नाम भी सामने आए हैं। भोपाल की पंचवटी कॉलोनी फेज 3 में 200 लोगों से 20 करोड़ की ठगी करने वाले भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय की करोड़ों की संपत्ति पत्नी और बच्चे के नाम दर्ज है। जांच में सामने आया है कि रमाकांत के खिलाफ ईओडब्ल्यू में भी एक केस दर्ज किया गया था। इस मामले में उसने 10,000 वर्ग फीट जमीन के लिए 7 लोगों से 36 लाख रुपए लिए थे, लेकिन प्लॉट नहीं दिए। पुलिस को उसकी करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। किशोरियों से यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां की 3 बेटों 2 रिश्तेदारों के खिलाफ टीटी नगर पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया। यह सभी क्रेटा कार में सवार होकर टीटी नगर क्षेत्र में तफरी कर रहे थे। पुलिस ने बिना मास्क होने और अकारण घूमने के कारण सभी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडर की आड़ में शराब की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पिपलानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 13 पेटी अवैध शराब, 44 गैस सिलेंडर और 1 लोडिंग वाहन समेत 9 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। पुलिस को पता चला है कि आरोपी दीवानगंज से अवैध शराब लेकर भोपाल आए थे। हालांकि यह खुलासा नहीं हुआ है कि यह शराब कैसे सप्लाई की जानी थी। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
तस्कर अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा को थाने से छोड़ने के मामले में टीआई समेत 8 पुलिसकर्मियों की अब विभागीय जांच की जाएगी। इस मामले में जस्सा के साथ बागसिवनिया पुलिस द्वारा पकड़ी गई महिला का कहना था कि घर से निकलते वक्त पुलिस ने अलमारी में रखे 3.5 लाख रुपए उठाए थे। जमानत के बाद जस्सा यह रकम लेकर घर लौटा या नहीं, इसका मुझे पता नहीं। आरोपियों को थाने लाने के 2 घंटे बाद FIR लिखने की बात भी सामने आई है। भोपाल की परवलिया सड़क पुलिस ने सेना के मेजर अख्तर अली की शिकायत पर एक बिल्डर और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इन लोगों ने मकान बनाकर देने का एग्रीमेंट किया और मेजर से 21 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया है। सेवानिवृत्ति के दिन IAS रमेश थेटे ने मीडिया को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें डायरेक्ट IAS अफसर होने के बावजूद कलेक्टर नहीं बनाया गया। उन्होंने यह भी लिखा कि प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त होने के बावजूद मुझे न्याय से वंचित किया गया। जातिवादी सोच के कारण मुझ पर 25 केस ठोक दिए गए। एक तरफ तो सरकार मध्य प्रदेश में लाखों स्ट्रीट वेंडर को लोन देने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ सहकारी बैंकों ने स्ट्रीट वेंडर्स योजना के लिए लोन देने में असमर्थता जताई है। अपेक्स बैंक के MD प्रदीप मिश्रा का कहना है कि सहकारी बैंकों के CGTMSE योजना में शामिल नहीं होने के कारण हम इस योजना में लोन देने में असमर्थ हैं। भोपाल में स्मार्ट सिटी ADB एरिया के मास्टर प्लान में ग्रीन एरिया कम है और ओपन एरिया ज्यादा है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और उस आधार पर NGT निर्देश के बावजूद ग्रीन एरिया बढ़ाने के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि कंपनी ने पुराने प्लान को ही मंजूरी के लिए दोबारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेज दिया है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में माइनिंग से एकत्रित होने वाले 500 करोड़ रुपए के फंड की 30% राशि अब कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में खर्च की जाएगी। मंत्री और विधायक अपने वेतन का 30% मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। वहीं विधायक निधि से आवश्यक उपकरण वेंटिलेटर, फेस मास्क, थर्मामीटर, टेस्टिंग किट आदि खरीदे जाएंगे। कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री PC शर्मा भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ग्वालियर से लौटने के बाद उन्हें हल्का बुखार आया, बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भोपाल में COVID-19 अस्पतालों में 1,887 बिस्तर है, जिनमें से 1,185 बिस्तर फुल हो चुके हैं, 702 ही बचे हैं। हमीदिया में एक भी खाली नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हेरफेर की बात सामने आई है। बीते 7 दिन के भीतर 290 मरीजों के नाम पॉजिटिव रिपोर्ट आने के 2 दिन बाद सूची में डाले गए हैं। कलेक्टर का कहना है कि देरी से आने वाले नाम बाद में जोड़े जाते हैं। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 838 नए मामले सामने आए और 10 लोगों की जान गई। प्रदेश में वर्तमान में 8,454 एक्टिव मामले हैं। भोपाल में शुक्रवार को 166 नए पॉजिटिव मिले और 7 लोगों की जान गई। इस प्रकार भोपाल में जुलाई माह में 89 लोगों की जान जा चुकी है और अब तक कुल 176 मौतें हो चुकी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।